hello students today we are going to discuss about source of finance for joint stock company so first of all what is joint stock company joint stock company means it is a company we have learned about the source of finance for different types of firms if you remember in second chapter we learned about the source of finance for different types of firms first firm was

इशू ऑफ डिबेंचर्स रिटेन अर्निंग्स लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स लोन्स फ्रॉम फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं इनको हम मींस इनको हम अपने बिजनेस में कहाँ से लेके आ सकते हैं शेयर्स को इशू करके डिबेंचर्स को इशू करके या रिटेन्ड अर्निंग होता है रिटेन्ड अर्निंग होता है कि हमारा कुछ प्रॉफिट बच गया था उसको हमने अलग रख दिया फिर वो प्रॉफिट हमारे काम आ रहा है या हमने लोन ले लिया कमर्शियल बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया और जो हमारे शॉर्ट टर्म फाइनेंस होते हैं शॉर्ट टर्म मींस जो हमें कम टाइम के लिए चाहिए और लॉन्ग टर्म होते हैं जो हमें टेन ईयर्स ट्वेंटी ईयर्स या मोर देन दैट कि जब तक हमारे हमारा बिजनेस है जब तक हमारी कंपनी है तब तक हमें पैसा चाहिए फाइनेंस चाहिए तो वो हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस में आता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है जो हमारा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है या काम में आता है शॉर्ट टर्म फाइनेंस कैन बी रेज थ्रू पब्लिक डिपोज़िट्स कमर्शियल बैंक्स ट्रेड क्रेडिट कस्टमर एडवांसेस फैक्टरिंग इंटर कारपोरेट डिपॉजिट्स एंड इंस्टॉलमेंट क्रेडिट ये कुछ टर्म्स हैं इन टर्म्स के बारे में हम धीरे धीरे डिटेल्स में पढ़ेंगे फर्स्ट सिर्फ ये क्लियर करो कि जो शॉर्ट टर्म फिनेंस होता है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए नीडेड होता है एंड लॉन्ग टर्म फिनेंस जो होता है हमारा वो लॉन्ग टर्म काफ़ी टाइम के लिए चाहिए होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए चाहिए होता है और लॉन्ग टर्म फाइनेंस हम कहाँ से ले सकते हैं शेयर्स को इशू करके डिबेंचर्स को एंड सो अदर थिंग्स एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस होते हैं हमारे पब्लिक डिपॉजिट जो कुछ टाइम के लिए पब्लिक अपना पैसा डिपॉजिट करती है जैसे उस दिन भी एग्जाम्पल दिया था जैसे कि कस्टमर एडवांसेस टाइप होता है कि कस्टमर ऑर्डर दे जब ऑर्डर देता है तभी आ, पैसे दे देता है जबकि डिलीवरी ऑफ गुड्स बाद में होता है तो इस तरीके के कुछ छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए कुछ फाइनेंस मिलता है कंपनी को दैट कम्स इन शॉर्ट टर्म फाइनेंस नाउ लेट discuss डिस्कस फर्स्ट लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस लॉन्ग टर्म are आर to टू fixed assets एसेट्स सच एज़ लैंड एंड बिल्डिंग and मशीनरी फर्नीचर एंड fixture मोटर व्हीकल्स etc जो हमारे लॉन्ग टर्म फंड्स हैं इनसे हम क्या ख़रीद सकते हैं जो भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं वो खरीद सकते हैं है ना और तो, कभी कभी लॉन्ग टर्म फाइनेंस हमारा यूज़ होता है डे टू डे expenses वगैरह में भी कि हमारा बिज़नेस किस तरीके से चल रहा है या इस्टॉक ख़रीदने में इन इन चीज़ों में भी हमारा लॉन्ग टर्म फंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस यूज़ हो जाता है और अदरवाइज़ जो हमारे फिक्स एसेट्स वगैरह होते हैं उनको खरीदने में हम लॉन्ग टर्म फंड्स यूज़ करते हैं देन हियर इट इज़ रिटर्न विद द हेल्प ऑफ डायग्राम सोर्स ऑफ फंड्स होते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस लॉन्ग टर्म फाइनेंस में वही हैं जो अभी हमने डिस्कस किए थे एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस इनके बारे में वन बाय वन वी विल रीड इट इन डिटेल नाउ फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द इक्विटी शेयर्स ओके सम मोर थिंग्स आर गिवन हियर बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स कैन बी रेज फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज जो हमारे दोनों लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं ये कहाँ कहाँ से मतलब इसमें दो तरीके के फंड होते हैं या तो ऑनड फंड ऑन मतलब या तो हम अपना पैसा लगा रहे हैं बिज़नेस में या फिर बोरोड या हम किसी से बोरो करके फिर वो पैसा लगा रहे हैं तो दो तरीके के फ़ंड होते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस हम कहाँ से मतलब पैसा हम बिज़नेस में कहाँ से लगा सकते हैं एक तो हम अपना फ़ंड लगा सकते हैं ऑन फंड लगा सकते हैं और दूसरा होता है बोरोड फंड कि हम किसी से लेके अपना लेके पैसा लगा सकते हैं और बाद में उसको दे सकते हैं देन और लोन कैपिटल या हम किसी से लोन के लिए लोन की तरह ले रहे हैं जैसे लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक तो वो तो हो गया लोन कैपिटल जिसको हमें पे भी करना है और जिसपे हमें इंटरेस्ट भी देना है ऑन फंड वगैरह होते हैं कि जैसे हमने अपना पैसा लगाया जैसे कि रिटेन्ड अर्निंग या फिर इक्विटी शेयर बोरोड फंड होते हैं जैसे कि डिबेंचर्स पब्लिक डिपॉजिट कस्टमर एडवासिस ये क्या है कुछ टाइम के लिए हमारे पास पैसा आ रहा है उधार आ रहा है बोरोड फंड है वो ओके देन ऑन फंड कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स रिटेन्ड अर्निंग दीज फंड्स बिलोंग टू द ऑनर ये ऑनर के ही पैसे होते हैं इक्विटी शेयर्स भी एक तरीके का ऑनर के ही वो पैसे हो जाते हैं क्यों क्योंकि वो जो फाइनेंस उन्हें इक्विटी शेयर होल्डर से मिलता है वो फाइनेंस ऐसा होता है कि जब कंपनी बंद होगी तभी वो हम पैसा वापस देते हैं विल स्टडी इट इन डिटेल डोंट गेट कन्फ्यूज यूर ऑन द अदर हैंड बोराड फंड बिलोंग टू द जो बोराड फंड होते हैं वो कौन से होते हैं कि जो हमने क्रेडिटर से ले रखे हूँ क्रेडिटर्स मीनस जिन्होंने हमें गुड्स दे रखे हैं उधार पर ओके okay, जिनको अभी हमने अभी हम पे करेंगे तो क्रेडिटर्स या लैंडर्स डिबेंचर्स होते हैं पब्लिक डिपॉजिट ट्रेड क्रेडिट ये सब हमारे बोरोड फंड होते हैं उधार लिए हुए पैसे होते हैं एटसेट्रा कॉन्स्टिट्यूट द बोरोड फंड दीज फंड्स आर रीपेबल आफ्टर अ स्पेसिफाई टाइम पीरियड इन पैसों को हमें कुछ पीरियड के बाद देना पड़ता है जैसे आफ्टर सम मंथ्स या आफ़्टर सम इयर्स सो देर फॉर ये बोरोड फंड होते हैं लेकिन जो ऑनड फंड होते हैं उनकी उनको ऐसा नहीं है कि आपको बहुत जल्दी पे करना है ऐसा कुछ नहीं होता वो आपका अपना ही पैसा होता है जब आपको कन्वीनट लगेगा आप उसे तब पे करेंगे या पे नहीं करेंगे ओके देआर फॉर ये डिफरेंस है ऑन फंड एंड बोरोड फंड में देन लेट अस डिस्कस अबाउट द इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर क्या है इशू ऑफ शेयर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ़ रेजिंग लॉन्ग टर्म फंड अगर आपकी कंपनी है और अगर आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए लंबे टाइम के लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो शेयर्स इशू करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेथड है बिना शेयर्स इशू करे, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस ले सकें रेज़ कर सकें कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ़ इक्वल पार्ट्स नॉन एज शेयर्स जो हमारी कंपनी होती है जो उसमें कैपिटल कैपिटल मीन्स जो उसमें अमाउंट होता है जो हमारी कंपनी की टोटल वैल्यू होती है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जैसे कि अगर हमारी कंपनी की वैल्यू है टेन लाख तो हम उसे टेन पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे वन लाख ईच ओके तो उनको इक्वल पार्ट्स को हम बोलते हैं शेयर्स अकॉर्डिंग टू द कंपनीज़ एक्ट अ शेयर इज़ अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्ल्यूड्स स्टॉक एक्सेप्ट वेयर आर डिस्टिंगशन बिटवीन स्टॉक एंड शेयर इज एक्सप्रेस और एम्प्लाइड नाउ अंडरस्टैंड इट करेक्टली हमारे जो कंपनीज एक्ट है उसमें क्लियरली गिवन है कि जो शेयर होता है जो अभी मैंने बोला वन लैख वन लाख का एक शेयर है ऐसे ऐसे करके हमने दस शेयर डिवाइड कर दिए तो जो एक शेयर होता है वो शेयर होता है शेयर कैपिटल में <coughs> शेयर इज़ अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इसका मतलब है जो भी हमारे शेयर होते हैं जैसे वन लाख है वो क्या है वो टेन लाख में से एक शेयर है हमारी पूरी शेयर कैपिटल में से एंड इंक्लूड स्टॉक और इसमें हम स्टॉक भी इंक्लूड कर देते हैं मतलब जो हमारी वैल्यू होती है स्टॉक की वो भी हम इंक्लूड कर देते हैं एक्सेप्ट वेयर आर डिस्टिंगशन लेकिन वहाँ पे हम इंक्लूड नहीं करेंगे जहाँ पे क्लियरली हमने दे रखा है कि हमारी कंपनी का स्टॉक अलग है और हमारी कंपनी के शेयर अलग हैं अगर हमने ये चीज़ एक्सप्रेस कर रखी है बता रखी है तो वहाँ पे हमारी कंपनी की वैल्यू में स्टॉक नहीं आएगा शेयर अलग होंगे स्टॉक अलग होंगे लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जो भी हमारी टोटल कंपनी की वैल्यू होगी उसको हम छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसका हर एक पार्ट एक एक शेयर होता है देन अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैन इशू टू टाइप्स ऑफ शेयर्स पब्लिक कंपनी जो होती है इसमें हम दो तरीके से दो तरीके के शेयर इशू कर सकते हैं प्रेफरेंट शेयर्स और इक्विटी शेयर्स शेयर विच कैरी नो प्रिफ्रेंस राइट्स और प्रायरटी इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इन द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं जिनमें कोई भी राइट right नहीं होता मतलब कोई भी शेयर होल्डर को हक नहीं होता प्रायटी इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंट सी शेयर होल्डर्स को क्या होता है सपोज़ मैंने किसी कंपनी में एक लाख रुपये के शेयर खरीदे तो मुझे डिविडेंट मिलेगा मतलब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी मुझे कुछ पार्ट जैसे टू परसेंट वन परसेंट कुछ पार्ट मुझे एज अ डिविडेंट देती है ठीक है डिविडेंट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट होता है प्रॉफिट में से निकाल के कुछ परसेंट पैसा वो मुझे देगी क्योंकि मैंने उसकी कंपनी के शेयर खरीदे हैं लेकिन जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उसमें क्या होता है उसमें कोई भी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई हक़ नहीं है कि उनको डिविडेंड सबसे पहले मिले इक्विटी शेयर होल्डर्स ऐसे शेयर्स होते हैं ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के एक तरीके से ऑनर होते हैं कंपनी के एक तरीके से मालिक होते हैं और मालिक को प्रॉफ़िट कब मिलता है जब वो सबका पैसा दे देगा उस उसके बाद जो पैसा बचता है वो मालिक का होता है वो ऑनर का होता है है ना तो ऐसे ही इक्विटी शेयर्स हैं हमारे वो ऐसे शेयर्स होते हैं जिनका कोई हक नहीं होता कि उनको डिविडेंड पहले मिले इन द पेमेंट ऑफ़ डिविडेंड एंड इन द रीपेमेंट ऑफ़ कैपिटल या फिर जब कंपनी बंद होगी तो उनको उन्होंने जितना पैसा लगाया है जैसे एक लाख रुपए लगाया है तो उनको वो पैसा सबसे बाद में मिलेगा अगर बचा तो पहले सारी लाइब्रिटीज़ पे होती हैं पहले और सारे सब लोगों को पैसे दिए जाते हैं बाद में अगर पैसा बचता है कंपनी में तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनका कैपिटल वापस मिलेगा जितना पैसा उन्होंने लगाया है उतना पैसा वापस मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा ये हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं वंस अगेन आई एम रिपीटिंग वो ऐसे शेयर्स होते हैं जिसमें कोई भी प्रेफरेंस राइट right नहीं होती मतलब उन्हें कोई प्रेफरेंस नहीं मिलती इंपॉर्टेंस नहीं मिलती और प्रायरिटी इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंट कि उनका जब उनका डिविडेंट पे होता है तो डिविडेंट उनको सबसे लास्ट में पे किया जाएगा एंड इन द रिपेमेंट ऑफ़ कैपिटल आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स और कैपिटल भी जब कंपनी बंद होगी कैपिटल भी तभी मिलेगा अगर कंपनी में बचा है तो तो हम उस उ, उस टाइप के शेयर्स को हम इक्विटी शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स बोलते हैं इक्विटी शेयर्स आर इशूड प्रायर टू अदर सिक्योरिटीज़ एंड रीपेड इन द लास्ट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं लेकिन इक्विटी शेयर्स जब कंपनी इशू करती है तो सबसे पहले इक्विटी शेयर्स को ही इशू करती है क्यों क्योंकि कंपनी को उसमें फ़ायदा है कंपनी को उसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस पूरे जब तक कंपनी रहेगी तब तक के लिए उसको पैसा मिल रहा है कंपनी को शेयर होल्डर से ओके okay, तो इक्विटी शेयर्स जो इशू किए जाते हैं वो और सारे सिक्योरिटीज़ से मतलब और सारे जो भी हमारे तरीके हैं पैसे को अपने बिजनेस में लेके आने के लिए और सारे सिक्योरिटीज से पहले हम इक्विटी शेयर्स को ही इशू करती है कंपनी एंड रीपेड इन द लास्ट और उनका जो पैसा उन्हें देना होता है वो सबसे बाद में देती है तो अभी सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे इसको एक और बार रीड कर लेना इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन देन विल डिस्कस इट लेटर ऑन